हेडफोन का इस्तेमाल करें। मैं पुलिस को फोन लगा दो। ओए होए हेलो हेलो पुलिस। नहीं मैं सीआईडी से मिस्टर दया बात कर रहा हूँ। ओहो सॉरी गलती से लग गया, मुझे पुलिस को कॉल लगाना था, एक केस था। केस सर हमें दे दो ये केस, प्लीज प्लीज सर हमें दे दो। अरे तुम्हें नहीं देना, पुलिस को देना है। अबे सर सर प्लीज सर भोसड़ी का हमें दो ये केस। नहीं हम आपको नहीं देंगे आप। अबे सर बहुत गरीबी हमारे यहां पे सर। ऐसे भी सब रोने लगे थे। अभिजीत सर हमारा काम चला रहे थे। बेटा रुको, ये पैसे तुम हमें दो, हम तुम्हें एक का डबल करके देंगे। अभी दे अपना काम कर। दे 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 तक ही ना सर, प्लीज दे दो सर प्लीज। मेरा नाम दया, पर कोई भोसड़ी का दया नहीं कर रहा मुझ पे। अबे साला बड़बुआ मत चाहिए, चला जा भोसड़ी के चला जा। अभिजीत नाम है मेरा, इंस्पेक्टर अभिजीत। सर तुम्हें तुम्हारी अम्मी क्या कर रही है दया, इधर देख। मैंने पता भाई हम केस देखने आ रहे हैं। अबे जी एक हजार जस्ती है, चले जाए चल दिए भाई। ओ अरे दया ये खुल क्यों नहीं रही? अरे बाप को दहेज में मिली थी। चलो दया केस सॉल्व करें। धक्का मार के आप आइए। बड़ा कर रहा कैसे लग रहा? तुम कौन? हम सीआईडी से दया, इंस्पेक्टर अभिजीत। तुमसे तो मना करा है। मना करा था क्या दया? अरे बिल्कुल नहीं, देखो मैं मना नहीं करा था, केस हम ही निकालेंगे। आओ दया। अबे यार रुक जा। ओहो क्या केस है तुम्हारा, जल्दी बताइए। देखिए टाइम बहुत कम है हम लोगों पे, और भी केसेस होते हैं हम पे, तो पहले उन्हें निपटा ले और हमें माफ कर। देखिए हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे हमारे आगे हमसे केस आप सोल्व करवाओगे उसके बहुत ज्यादा फायदे। दया बताओ बताओ दे फायदे, बहुत फायदे। पहला आपको हम बेहिसाब डिस्काउंट पे केस निपटवाएंगे। दूसरा फायदा आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, ऑन द स्पॉट एसीपी साहब फांसी की सजा सुनाएंगे। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, बात सही, हम नाश्ता नहीं कर रहे हैं। तो करा कौन रिया दी है? वसीम देखो, वसीम पुलिस वाले हमारी सुन नहीं रहे हैं, ये सीआईडी वाले कुछ ठीक लग रहे हैं, क्यों ना इनको केस दे दें। चलो फिर दया, और भी बहुत केस हैं अपनों पे, तो कोई एक केस ही थोड़ी है। हाँ टाइम बर्बाद हुआ है। रुकिए, हाँ ये केस हम आपको ही दे रहे हैं। तो हमारा केस ये है कि आज से 4 महीने पहले हमें एक डायमंड प्ले बटन मिला था YouTube की तरफ से, जो कि कोरियर वाला लेकर आ रहा था। बीच में से ही किसी ने वो डायमंड प्ले बटन चुरा लिया। दिन था 17 मई, टाइम था 3:34। 17 मई पता है मेरा जन्मदिन होता। हमारे फैंस हमें गाली कब चुर गया? तो भाई देखो हमें हमारा डायमंड ला दो कैसे भी करके। तो आपको किस किस पे शक है मुझे जरा नाम बता दीजिए उन सबके। देखो भाई शक हमें कुछ लोगों पे है जिनके नाम तो ये केस हम 24 घंटे के अंदर अंदर निपटा देंगे। चले भैया एसीपी साहब को भी उठाना रास्ते से। जी सर। एसीपी साहब भी बैठ गए। दया यही है पीवी जी का घर, दरवाजा तोड़ो। हाय हाय मैया दया
दया अब वो बात नहीं रही तुम्हारे कंधे में, मुठ मारने लगे हो क्या? अबे ओ बुड्ढे, ओ साले बुड्ढे, खुद को तो देख ले। अबे तुझसे तो घर की डोर बेल तक न दबती। अभिजीत समझा ले से। मैं समझाता हूँ सर आप। दया बहुत गलत कह रहे हो कि सर से डोर बेल नहीं दबती, सर से भाभी के भी ना दबती। क्या क्या ना दबते? छोड़ो सर, अंदर की बात है ये। तुम्हें पता नहीं है मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ? फैशन से आए? फैशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पोस्ट की बात कर रहा हूँ। हटो, दिखाता हूँ तुम्हें, हटो। आज दिखाता हूँ मैं तुम्हें अपनी असली ताकत। ये दरवाजा तीन जगह से छूटेगा, तीन जगह से। अरे अरे मारो एसीपी साहब। अरे सर निपट गया, दिखा बुड्ढा। कौन था ये? ये पता ना साला कौन भिखारी है, कोई बाबली गांड है? ए, बाबली गांड तो हम है, बाप बाबली गांड। कौन हो? हम सीआईडी से। सीआईडी? यहाँ के गांड मराने? डीबी जी, हमें अंदर खाने से खबर मिली है कि आपका डायमंड प्ले बटन है। अबे कौन सा डायमंड प्ले बटन? ओ हो हो हो, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़। बहुत सुअर एक्टिंग कर रही है एसीपी साहब की। बीबी जी, 17 मई को 3:34 पर आप कहाँ थे? घर था। अरे बताओ क्या कर रहे थे? अरे बताइए क्या कर रहे थे? बताओ बीबी जी क्या कर रहे थे आप 17 मई को? अरे बताते क्यों नहीं हो? अबे हग रहा था। मतलब? मतलब तुम्हारी माँ का बहुत बड़ा। और निकल जाओ घर से। केस खत्म। बीबी जी फुल फॉर्म क्या है? होगी बहुत बड़ा गांडू। पिट गए सीआईडी वाले। दया बटन तो मिल गया है? है? मिल गया बटन बीबी जी, बहुत बड़ा बटन मिला। बाय बीबी जी। ओ अभिजीत, क्या रिपोर्ट आई है? सर ये आपकी एक्सरे रिपोर्ट बता रही है कि आपका कंधा तीन जगह से टूटा। तीन जगह से? जी सर। अबे यार हमारे पास तो पैसे भी ना है, अब कैसे होगा इलाज? इस मामले में तो दया के मजे हैं। क्यों सर, दया के क्यों मजे? सर इधर देखो, इस कंधे को देख रहे हो? अलग अलग 13 कंपनियों से इंश्योरेंस करा रखा सिर्फ कंधे का। भाई यार दया तेरे मजे हैं भाई। अबे इसके तो फिर भी मजे हैं, मेरा इलाज कहाँ से होगा? मेरे पास तो कूटी कोड़ी ना। 200 रुपए? ये कहाँ से? बे के क्या पड़ता सर, कहीं से भी आए हो? अब तो टंकी फुल होगी पैसन की। मेरा इलाज होगा पेट्रोल डलेगा। डायमंड प्ले बटन का कुछ पता नहीं है कहाँ पर है। पेट्रोल डीजल इलाज, अगला नाम देखो किसका। स्कूल चलो। तुम दोनों सोच रहे हो? से बहुत अच्छा लगा मुझे इसका। हम तो ना सोच रहे, पर मैं फिर भी तुम्हें बताऊंगा। मैंने गेट इसलिए बंद किया है, संजय और सुमित जब हमसे बचकर भागते हुए आएंगे गेट पर तो गेट मिलेगा उन्हें बंद और हम उन्हें दबोच लेंगे। ये दया दिमाग तो है एसीपी सर में। अभी जी सर इसे बोलते हैं माइंड, माइंड का खेल है ये। पर कोई नहीं, तुम्हारा अभी सीखने का टाइम है, तुम सीखो। चलो मैं और अभिजीत क्लासरूम जा रहे हैं ढूंढने। दया तुम प्रिंसिपल ऑफिस जाओ। मैंने जा रही है। दया चला जा, सर से इंग्लिश ना आती। इधर है बुड्ढे। अबे तू अंदर जाएगा तभी तो ऊपर संजय मिलेगा। अबे ये भोसड़ी का सबको बता देगा कि दया ही संजय। और चीख ले, एडिटिंग में कटवा दूंगा। जा आओ सर। संजय कौन है यहाँ?
वो पाइप लेके बैठा। ये मार चोन दिया तो। अरे सर ये तो बड़ा लैंड ही लग रही है, पूछिए इससे। संजय डायमंड कहाँ है? सर मुझे हाँ तिलना बंद नहीं हो रहा। इंग्लिश में पूछो। संजय वेयर इज अभिजीत डायमंड को इंग्लिश में क्या है? अरे सर डायमंड को डायमंड ही कहते हैं इंग्लिश में। नहीं बिल्कुल ही अनपढ़ हो, जाहिल हो, गवार हो, सुअर हो, औसड़ी वाला क्या हो तुम? बस अभिजीत बच्चे देख रहे हैं। संजय वेयर इज डायमंड? ओ संजय अपनी सोच में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहरा है। इसका मतलब समझे अभिजीत? इसका क्या मतलब हो सकता है सर? ये सुन नहीं सकता। किस पावली गांड के साथ काम कर रही है? क्या कुछ नहीं सर, मैं कह रहा हूँ बोर्ड पे लिख के पूछो इससे आप। अब बता लेनी संजय। अरे सर कैसे बताएगा वो, आपने डायमंड के आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। ओ अब गए तो वो भी लगा देते हैं। हमारे एसीपी साथ पे हाथ उठाता। चमट गया भैया। अरे सर कौन है ये, क्यों मार रहा है इतना? सर मैं सीआईडी की पावर दिखाता हूँ। अरे रुक जा, मैं कह रही हूँ निकल लो। तो सर केस का क्या? अरे केस गया गांड मराने। अरे भाग ही नहीं पा रहा है। अबे ये किस कानून ने बंद कराया गया? सर भौसड़े के बुड्ढे, तू नहीं बंद करा था? बिल्कुल बेअकल दिमाग है, दो गोली का दिमाग लेकर। अबे पाइप में गाली दे दी, पहले खोल। कुछ सुन पसंद प्रिंसिपल साहब, ये संजय कहाँ पर है? संजय तो क्लास में पढ़ा रहा है। और सुमित लफाड़िया? सुमित लफाड़िया, संजय ने उसे चांद पर पहुंचा दिया था। अभी पता चला है नासा की सैटेलाइट पर जबरदस्ती लटक कर आ गया वो। अच्छा सर चलता हूँ। दया आप दरवाजे तोड़ते हो ना? जी सर। तो दया वो ऊपर के दो क्लासरूम के दरवाजे तोड़ लेते। ये 200 रुपये अच्छे तोड़े तो 14-15 गेट हो रहे हैं, वो भी आपसे तोड़वाना। पहली बार अपने टैलेंट पे काम मिला साहब। साहब मैं काम कर दूंगा, अच्छे तोड़ू तो मुझे काम देना साहब, चलता हूँ। बहन के लोड़े दया वाले टूटने हैं। किस बात पर मार दिया था सर वो? अरे मुझे ना पता। डॉक्टर तारिका। अबे बहुत बुरा मारा उसे, खून की उल्टियां कर रही था। दया सर पे लिपट गया वो संजय, मैं गया उड़ के, मैंने मारा भाई साहब सुपरमैन पंच, एक मैं गेट के बाहर संजय। और तो और दया उसे ये ना बताया कि किस वजह से मार रहे हैं उसे, बस मारे जा रहे हैं। पर दर्द में तो तुम दोनों कर रही आ रहे। देखो दया मुठभेड़ में क्या होता है, जब दो गुट लड़ते हैं तो थोड़ी बहुत चोट दूसरे के भी लग जाती है। पर सर जब मैं स्कूल से आया संजय पहले से ज्यादा बढ़िया था। दया इतना ध्यान अगर तुम हम में ना लगा के ना केस में लगाओगे तो डायमंड हाथ में होगा, याद करो क्या मिशन है तुम्हारा। डायमंड सर डायमंड। सर देखिए अगला नाम किसका। डम ब्लाइंड कैट। आ गए। कुछ तो गड़बड़ है, इन लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है? इसका मतलब समझे दया? इसका क्या मतलब हो सकता है सर? ये लेट हो गए। पर कोई नहीं, आने दो इन्हें।
मुझसे कोई बचा थोड़ी है जो ये लोग बचेंगे। मैं हट कॉल आ रही है। हेलो ठीक है आ रहे हैं हम अभी। ठीक निकलो आज जल्दी से। किसकी कॉल है दया? सर क्लाइंट की कॉल है, कुछ केस में नया मोड़ आया है। ठीक भाई वाह, कमरा बहुत बढ़िया बनाया है। आ गए बैठ जाओ। आ जाओ सर। अबे बैठने को बोला है ना, तेल ना है मेरे पास यहाँ पे। अबे अजीब हफ्ती इंसान है, बैठने को बोला है। भाई साहब तेल ना है। अबे सुतरी के बैठने के लिए बोल रहे हैं, बैठ जा देख ऐसे करके। वही वाह, मखमल का सोफा डलवाया है, एक नंबर। ये क्या चुभरिया सोफे पे गिल्ली। अबे लेनी थी इसकी, देने क्यों लगा? ये क्या जानवर है? ये मुझे समझदार लग रहा। हाँ भाई डायमंड तुमने चुराया? अबे बोलता क्यों नहीं है, बोल। अबे ये क्या बवाल है, कुछ तो गड़बड़ है। दया दया तो गया। अबे बोल। अबे डायमंड प्ले बटन देखा है? क्यों ना देखा, हमने देखा है। नागिन की निगाह है मेरी, फोटो खींच लेता हूँ। तो बता कैसा था? देखो इतना तो बड़ा था और इतना ही मोटा था वो। मैं भालू हूँ, मैं जंगली हूँ, जो मैं तुमसे मिलने आया यहाँ पर। सुअर रह गया सर। अरे सुअर भी हूँ, मुझे माफ करो, मैं चला अपने घर। रहा था ना भाई? हाँ बता। अब कितने भी हाथ जोड़ ले माफी मांग ले, साले बिना तेल के ही मारूंगा। वो सड़ी के चला जाए। क्या था बसिंग ये? ओहो बड़ी गहन बात चल रही है। इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? खैर कहाँ पर मिलेगा ये? पुराने खंडरों में। सर इतना खतरनाक आदमी है तो आपको एंट्री भी खतरनाक देनी पड़ेगी। हाय हाय कितनी खतरनाक है एंट्री। सर 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 लगी तो नहीं? मैं पागल है क्या, मौत लगी है। दया 6 महीने तक कोई एंट्री नहीं दूंगा। हाँ सर बैन कर दो ये वाली एंट्री। साले तू नहीं कहा था एंट्री देनी है? सॉरी सर, बट जो मन बुड्ढे से लगवाएंगे वाली एंट्री। ये आइडिया बढ़िया। राकेश राकेश इधर छुपा, बाहर निकल। कहाँ गए थे? राकेश अपने आप को हमारे हवाले कर दो। दया मुझे लग रहा है यहाँ कोई ना। चल जिन बन गया ये तो। दया ये क्या चीज है? दया क्या फजीता भाई, क्या फजीता है? डायमंड प्ले बटन किधर है? ये राकेश बच्चों का डायमंड प्ले बटन देते हमें। ये मेरा बटन है, मेरी वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज आए थे ये मेरा हुआ। कैसे ना देगा तेरा? दया रुक, हम लेते हैं एक रैप पे में दे देगा डायमंड ये। बातचीत से भी मिल सकता है कुछ हल इस चीज का राकेश भाई। देखो समझौता कर लेते हैं, बटन हमें दे दो, शर्त बताओ आप। क्या हुआ सर? देखो दया ये केस अपन छोड़ना है, हम नहीं कर रहे इसे। पर क्यों सर? बहुत हार्ड केस है, आज तक के इतिहास का सीआईडी का, ये छोड़ो इसको हम नहीं कर रहे। पर सर क्यों? समझौते में तेरी गांड मांग रही है तो दे देंगे। तुझे देंगे हम। मैं साले ऐसा थप्पड़ मारूंगा, नीले रंग के आदमी ये कंधा देख लिया, 14,000 गेट तोड़े मैंने इससे।
क्यों मार दिया ना, ये नदी में मिलेगा सर, ये हमें डायमंड प्ले बटन देगा, इसका बाप भी देगा। सर जब मैं उसे ले गया नीचे कि तेरा बाप भी डायमंड प्ले बटन देगा, तो मैंने उस पर पहले फेरी बुरी मार, मेरे हाथ में लग गई थोड़ी सी, तो सर फिर मैंने कही उससे पैंट उतार अपनी, जो पैंट उतार के सर इधर देखो, सर बहुत ही बुरा मारा, फिर मैंने उससे डायमंड प्ले बटन ये ऐसे ले लिया उंगली पे यूं, और मैं जो गया था वो, अरे सर तुम एक ही रैप्टे में मेरे ना समझौते पे उतर ही आया था, अल्फाज बदल दिए थे उनने साले नीले रंग के आदमी ने। सर प्लीज यही स्टोरी रखना सब, तू टेंशन मत ले, किसी को पता नहीं चलेगा, अल्फाज अलग ना हो सर अपने दोनों, नहीं रिकॉर्ड कर लूंगा मैं, और ACP सर को यही जागी रिपोर्ट। दर्द हो रहा बहुत कर रही वीडियो बनाई बहुत भाई साहब। थैंक यू सो मच गाइस। गाइस ये जो है डायमंड प्ले बटन, ये आप लोगों के प्यार की वजह से ही हमें मिला है, क्योंकि हम लोगों ने कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यहाँ तक भी हम लोग पहुँचेंगे, वो आप लोगों ने पहुँचाया है, और ये एक सपना था सिर्फ जो आज हकीकत हो गया है, तो फिर से थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही प्यार बनाए रखना, शेयर करो वीडियो को, शेयर करो ये, तो इसको लाइक शेयर कॉमेंट सब कुछ। भाई रे भाई कितनी बेहतरीन वीडियो बनाई इन लोगों ने अपने, मतलब प्ले बटन वाली जो वीडियो है कितनी बेहतरीन बनाई है, मुझे बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगी। और हाँ, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम सुपर पिक्चर्स है, फटाफट से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको बेहतर रिएक्शन वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे एक और नई और बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।